नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीटी ब्लॉग में। और इस वक्त मैं हूँ कालीबाड़ी में। आप देख सकते हैं मेरे सामने इतनी भीड़ है यहाँ पे कि पैर रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर भारी वाहनों का आना जाना रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। वह सिर्फ इसलिए कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये चंद्रयान का मॉडल है, चंद्रयान की प्रतिकृति है, जिसे पंडाल के स्वरूप में यहाँ पर बनाया गया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस पंडाल के अंदर और दिखाता हूँ अंदर से भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा को। इसके अलावा इस पूरे पंडाल को दिखाता हूँ, डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। चलिए चलते हैं पंडाल के अंदर। तो अब मैं धीरे धीरे ही सही अंदर दाखिल हो रहा हूँ और करीब करीब एंट्री गेट से मुझे भगवान गणेश जहां पर विराजमान है वहां तक पहुंचने में 15 मिनट का वक्त लग गया है। चंद्रयान 3 के बारे में हर कोई वाकिफ है, क्योंकि ये हमारे सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, ये हमारी देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर अपना सैटेलाइट पहुंचा दिया है। और इसीलिए यहाँ पर इस बार इस गणेश उत्सव समिति के द्वारा यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है। बंगाल से कारीगर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने करीब 45 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हजारों की संख्या में बल्लियां प्लाई से इसका निर्माण किया है। तो ये बहुत अच्छा है और इसीलिए इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा, आप बस निहारते रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत प्रतिमा है, भगवान गणेश को भगवान शिव के रूप में यहाँ पर विराजित किया गया है। और आसपास जो थीम दी गई है, वो थीम जो है चंद्रमा की दी गई है, और पृथ्वी के ऊपर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और आसपास पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर रचा गया है। पूरे 9 ग्रह यहाँ पर हैं और उन सभी 9 ग्रहों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन 9 ग्रहों की यहाँ पर छोटी छोटी सी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं, सब ऋषियों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये बहुत ही आकर्षक लग रहा है, आप देखते रह जाइएगा, बस देखते रह जाइएगा। हालांकि समय बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप तो अब हम मूर्ति के दर्शन कराने के बाद मैं ये चलता हूँ आपको बाहर। और आपको क्षण आ गया है चंद्रयान 3 को देखने का, बहुत नज़दीक से उसके इस मॉडल को देखने का। तो आप देख सकते हैं इतना भव्य पंडाल है, इतना भव्य ये इसकी कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर आपको जो नीचे का हिस्सा है, उस हिस्से में आपको भारत की जो सेनाएं हैं, तीनों विंग्स हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनके जो लड़ाकू विमान हैं, टैंक हैं, इसके अलावा INS है, इंडियन नेवल शिप है, तोप है, उन सबको यहाँ पर लगाया गया है। और ये पूरा पंडाल जो है वो भारत देश को समर्पित है, भारत के वैज्ञानिकों को समर्पित है, भारत देश की सेना को समर्पित किया गया है। यही वजह है यहाँ पर लाखों लोगों के पहुँचने की। चंद्रयान की प्रतिकृति मॉडल ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, उसका जो PSLV है, जो वाहन है, जो रॉकेट लॉन्चर है, वो बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। इस पे इसरो का लोगो भी लगा हुआ है, हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ है, इसके अलावा इसमें इसरो लिखा भी है, और ये ठीक वैसा ही लग रहा है। और थोड़े से नीचे आते हैं तो वहाँ पर एक चंद्रमा की आकृति बनाई गई है और उसके ऊपर भगवान गणेश को विराजित किया गया है। गणेश उत्सव में जब भी आपको समय मिलता है आप ज़रूर आइएगा, इसे एक नज़र ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कम से कम नहीं तो 1 घंटे का वक्त ज़रूर लग सकता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, ताकि लाखों लोग पूरी दुनिया भर में, हजारों करोड़ों लोग इस वीडियो को जरूर देखते हैं भगवान वीडियो के साथ। और ऐसे ही मैं आपको रायपुर स्टेट में भगवान गणेश की प्रतिमा के जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय।